आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी परसेंटाइल जेई मेंस के अंदर 90 के आसपास बन रही है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, चाहे वो सीसैब की काउंसलिंग हो जो कि आपकी NITs, IIITs और GFTI के लिए काउंसलिंग होती है, चाहे वो आपकी HSTS की काउंसलिंग हो जो कि हरियाणा के अंदर सारे स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है, चाहे वो UPTU हो, चाहे वो MPDTU हो, कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको इस परसेंटाइल रेंज पे आपको मिल सकती है। सबसे पहली बात तो आपका JEE Mains अभी ख़त्म हुआ है पहला अटैम्प्ट, तो आपका जो मार्क्स बन रहा है आपको कहीं ना कहीं आपने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता चली होगी, तो उस बेसिस पे आपको अपनी परसेंटाइल और रैंक को अगर प्रिडिक्ट करना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट collegemitra.net.in के ऊपर में जाएंगे, वहाँ पे आपको रैंक प्रिडिक्टर का ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा, जो जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में आप अपनी रैंक को, परसेंटाइल को प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी मार्क्स के बेसिस पे। आपके शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी कौन सी है, ईजी है, वेरी ईजी, हार्ड, सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने उस चीज़ को बनाया है, तो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा मैं बताऊँ तो आप अपनी रैंक को प्रिडिक्ट करने के बाद वहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर का भी ऑप्शन वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका उपयोग करके आप वहाँ पे कॉलेजेस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके परसेंटाइल 90 के आसपास है तो अब बेसिकली कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए और जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि BIT मिश्रा की, तो BIT मिश्रा जो कि CSAP के अंदर, GFTIs के अंदर बहुत ही शानदार सा कॉलेज माना जाता है, यहाँ पे आपको केमिकल ब्रांच और बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच आपको मिल रही होती है इस परसेंटाइल रेंज के आसपास में। इसके बाद बात करूंगा आसाम यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आपको EC ब्रांच तक मिल जा रही होती है। GKV हरिद्वार के अंदर आपको CSE ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होती है। तेजपुर यूनिवर्सिटी जिसका हमने अभी अभी रिव्यू बनाया है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जा रही होगी। मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको CSE ब्रांच मिल जा रही होती है। स्लाइट पंजाब, स्लाइट का भी हमने अभी अभी रिव्यू बनाया है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल जा रही होती है। आप पूरी रिव्यू को देखना, फिर आप समझना कि कॉलेज कैसा है, किस तरीके का है, क्या मैं इस तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन चीज़ों के पर भी आपको यहां पे चर्चा करनी होगी। अगला बात करूंगा JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि इलाहाबाद के अंदर है, UP के अंदर, ये GFTI है, यहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल जा रही होगी 90% के आसपास में अगर आपकी परसेंटाइल होती है। साइड में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो ईजिली आप इन चीज़ों को पढ़ के आप यहाँ पे समझ सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर आपको CSE मिल जा रही होगी, CSVTU भिलाई के अंदर, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी भिलाई के अंदर आपको CSE मिल जा रही होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर आपको ECE ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होगी। इसके बाद मैं बात करूँ PTU पुडुचेरी के अंदर ECE और SMVDU कटरा के अंदर आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जा रही होगी। तो लगभग जितने भी GFTIs, अगर मैं ऊपर के 2-3 GFTIs को छोड़ दूँ तो उसके अलावा सब में आपको ECE या फिर CSE ब्रांच मिल जा रही होगी 90% के आसपास। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है, अगर आपके पास कोई कोटा है, कोई स्टेट कोटा या फिर किसी भी तरीके की कैटेगरी है, तो एक चीज़ आप जरूर से ध्यान रखें कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी NIT के अंदर ब्रांचेस मिल जा रही होगी। इस चीज़ को आप डिटेल में देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, CSAP काउंसलिंग को सेलेक्ट करेंगे, अपनी रैंक को डालेंगे, रैंक कहाँ से पता चलेगी, आप हमारे रैंक प्रिडिक्टर का उपयोग करके रैंक को पता करेंगे, उसके बाद रैंक वहाँ पे डालने के बाद आपको दिख जाएंगी आपके कोटा के हिसाब से आप NITs मिल रही है, IIITs मिल रही है, क्या मिल रही है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में देखने को यहाँ पे मिल जा रही होगी। इसके बाद अगर मैं दूसरी काउंसलिंग्स के ऊपर आऊँ, दूसरी काउंसलिंग्स कौन कौन सी होती है जिनका नाम भी बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, MPDT की काउंसलिंग होती है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सभी के अंदर एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम मैं आपको बताऊँ इस रैंक के ऊपर, MITS ग्वालियर नाम का एक कॉलेज है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जा रही होती है इस रैंक के ऊपर। ऑल इंडिया कैटेगरी की मैं बात करूँ, अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है फिर आपको वहाँ पे और ज़्यादा फायदे यहाँ पे मिल जाएंगे। सती विदिशा यानी कि सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा के अंदर आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की ब्रांच मिल जा रही होती है। आपको UIT RGPV भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जा रही होती है। रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर CSE और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर CSE मिल जा रही होती है। और जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको CSE बहुत इजीली यहाँ पे मिल जा रही होगी। तो MP की बात मैंने यहाँ पे की। इसके बाद मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सीन रहता है कि आपको UPTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है,
ध्यान रखिए कि ट्रिपल एम गोरखपुर जो है, जहाँ पे ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर की काउंसलिंग अलग से होती है, सीएसजेएमयू कानपुर की काउंसलिंग अलग से होती है, एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग अलग से होती है, लेकिन यूपीटीयू के अंदर जितने भी एकेटीयू के कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग होती है, और कुछ अलग से यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब की भी काउंसलिंग साथ में होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो एकेटीयू के कॉलेजेस हैं वो आते हैं यूपीटीयू के अंदर। तो आईईटी लखनऊ जो कि केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मिल जा रही होगी, केएनआईटी सुल्तानपुर जो कि सेकंड नंबर का कॉलेज एकेटीयू के अंदर आता है, वहाँ पे आपको ईसीई ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होती है, बीआईटी झांसी के अंदर भी ईसीई ब्रांच मिल जाएगी, जितने भी आईसीज हैं सभी में आपको सीएससी या आईटी ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होगी, एआईटीएच कानपुर जो कि है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, यहाँ पे भी आपको सीएससी मिल जा रही होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हैंडीकैप्ड हो, उनके लिए हाँ थोड़ी सी रिजर्वेशन रहती है, लेकिन जनरल को भी यहाँ पे सीट मिल जा रही होती है। इसके बाद बात करूंगा एचएसटीएस की काउंसलिंग के बारे में, हरियाणा के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनके लिए भी काउंसलिंग होती है, और इनके लिए यहाँ पे आप जेई मेंस के बेसिस पे, चाहे आप ऑल इंडिया से हो चाहे आप हरियाणा से हो, यहाँ पे काउंसलिंग होती है। YMCA फरीदाबाद यहाँ का टॉप कॉलेज माना जाता है, जहाँ पे 90% के रेंज के आसपास अगर आपकी रैंक है तो 90% के आसपास YMCA में आपको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेज यहाँ पे मिल जा रही होगी। उसके नीचे आता है डिक्रस्ट सोनीपत, डिक्रस्ट सोनीपत के अंदर आपको यहाँ पे ईसी ब्रांच मिल जा रही होती है, उसके बाद आता है UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको सीएससी ब्रांच मिल जा रही होगी, GJU हिसार में सीएससी मिल जाएगी, इसके बाद MDU रोहतक के अंदर आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी, और बाकी सारे SITs जो हैं जिनमें आपको सीएससी बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाएगी। तो हरियाणा की ये बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो लगभग जितनी भी काउंसलिंग, 3 से 4 काउंसलिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई, और बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं ऑनेस्टली झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर होता है आपका, उसके अलावे उड़ीसा के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, अलग अलग लेवल की काउंसलिंग हर जगह से होती है। तो सारी की सारी बातें एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहां पे रैंक को प्रिडिक्ट करेंगे, कॉलेज को प्रिडिक्ट करेंगे, कौन कौन से मिल रहे हैं। अभी फिलहाल में हमने वहां पे सिर्फ 3 काउंसलिंग को ऐड किया है, सीसैप काउंसलिंग, MPDT और UPTU को, धीरे धीरे हम चीजों को ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आपके लिए जो एक फ्री सर्विस हमने बहुत जल्दी से यहां पे लॉन्च की है कि आपको वहां पे फ्री में जितने भी काउंसलिंग्स हैं, जितने भी स्टेट के काउंसलिंग हैं, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग्स हैं जैसे कि जोसा सीसैप, सभी को मिला के आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे कौन सी कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उसकी लिस्ट हम आपको ईमेल करेंगे बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप हमारी वेबसाइट collegemitra.net.in के ऊपर में जाके रजिस्टर करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको आपके ईमेल के ऊपर में आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज आपको इस रैंक पे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि इनको इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि काउंसलिंग्स एक्चुअली में होती कैसे है, और 90% के ऊपर कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।